हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि फ्रेंड्स, आजकल स्कूल्स खुल गए हैं तो आजकल सारे पेरेंट्स की एक ही प्रॉब्लम उन लोगों को परेशान कर रही है, और वो ये है कि टीचर से कंप्लेन आ रही है कि हमारा जो बच्चा है वो क्लासरूम में बैठता नहीं है। ठीक है, वो इधर उधर घूमता रहता है, ज़्यादातर एक ही पीरियड में बोर हो जाता है, खड़ा रहता है, किसी ना किसी को परेशान करता रहता है, जो काम कर रहा है उसको भी डिस्टर्ब करता है। एंड द मेन प्रॉब्लम इज़ सिटिंग इनटॉलरेंस, वो बैठ नहीं सकता। ठीक है, अब सेटलिंग नहीं है उसमें, वो सेटल्ड नहीं है। 3 घंटे की क्लासेस हैं, 4 घंटे की क्लासेस हैं, बट आवर चाइल्ड इज़ नॉट सिटिंग। और ये प्रॉब्लम मेनली जो आ रही है वो किन बच्चों को आ रही है, उन लोगों को अगर आप लोग लेकर आ रहे हैं तो उनका डायग्नोसिस मेनली उन बच्चों को आ रही है जिनका डायग्नोसिस आ रहा है हमारा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि ADHD। ठीक है, तो पहला तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो लोगों को ADHD का ट्रीटमेंट चल रहा है, और जो लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो रहे थे, नॉर्मल हो रहे थे, लेकिन अब जब जैसे जैसे उनके स्कूल खुलते जा रहे हैं और उनका जो टाइमिंग्स है स्कूल का, जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे उनका गुस्सा स्कूल में जैसे तैसे करके, अगर टीचर्स उनको बिठा भी नहीं है तो जब वो घर आते हैं तो वो इंक्रीज टेंट्रम शो कर रहे हैं, इंक्रीज एंगर शो कर रहे हैं, रेस्टलेसनेस ज़्यादा होते जा रहे हैं, और उनका कंसंट्रेशन अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से उनके ADHD के जो सिम्टम्स हैं वो हमारे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके एक तो मेन कॉज ये है फ्रेंड्स कि जब उन्हें ये जो ऐसे ADHD के बच्चे होते हैं, इनका जो कॉग्निटिव पार्ट मेनली अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, मेनली द फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब एंड द कॉग्निटिव पार्ट, द बेसल गैंग्लिया, ब्रेन का इनका जो हिस्सा अफेक्ट हो जाता है वो अगर आप पेट स्कैन करा के देखेंगे, ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन साइंटिफिकली अगर आप उसके अंदर जाना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि उनका जो ब्रेन के वो वाले एरियाज़ हैं जो कॉग्निशन का काम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन का काम कर रहे हैं, अटेंशन का काम कर रहे हैं, उनका जो साइज़ है बहुत ही छोटा हो गया है। ठीक है, और दूसरा ये है कि जैसे कि हम लोग कुछ अच्छा काम करते हैं, है ना, मैंने लास्ट वीडियोस में ही बताया है, तो यूजुअली हम रिवॉर्ड के लिए करते हैं कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिलेगा, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलेगा, या फिर कोई रिवॉर्ड मिलेगा, इसके लिए हम लोग कुछ अच्छा करते रहते हैं। लेकिन इन बच्चों में जो पाथवे होता है रिवॉर्ड हार्मोन का, ठीक है, मेनली डोपामीन और नॉरएड्रेनालिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये जो दो हार्मोन्स हैं ये हमें अलर्ट और कंसंट्रेट और अटेंटिव रहने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो वो वाला पार्ट ब्रेन का छोटा हो जाता है और डोपामीन और एड्रेनर्जिक की नॉरएड्रेनालिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये लोग अनइंटेंशनली, है ना, इंटेंशनली नहीं करते बट अनइंटेंशनली, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अनइंटेंशनली करते हैं जो भी करते हैं, मतलब उस टाइम पे ये लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, दे डोंट नो, इनका माइंड इतना ज़्यादा बोर्डम फील करता है कि दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। और अगर जो टीचर्स भी हैं, है ना, अगर वो उन्हें ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश करती हैं, बल्कि थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो लोग अगर उन्हें बिठाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन ऑलरेडी जिस चीज़ की उनके ब्रेन में डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से वो बैठ नहीं सकते, तो उसके बाद जब वो लोग घर आते हैं तो अपने कंफर्ट जोन में वो दो गुना ज़्यादा अपना एंगर और फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं, और अंदर ही अंदर उनका स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ADHD की, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, पहले के टाइम में भी होती थी, ज़िद्दी बच्चे, बहुत ज़्यादा शैतान बच्चे, नॉटी बच्चे, लेकिन आजकल इसे एक बीमारी में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जितना ज़्यादा डायग्नोसिस करेंगे, जितनी ज़्यादा रिसर्चेज आएंगी तो उतना ही अच्छा डायग्नोसिस होगा, उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट भी होगा, एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी, वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है जो हाइपर एक्टिविटी को ट्रिगर करती है, ठीक है, जो याद रखिए आप लोग, हाइपर एक्टिविटी बिहेवियर को, जैसे कि पैरालिटिक अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन अटैक, इन सबको ट्रिगर कौन सी चीज़ कर सकती है, रिस्क फैक्टर क्या है, अल्कोहल, तबैको स्मोकिंग, नॉन वेज, रेड मीट, ये सब ट्रिगर कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये जो ADHD बिहेवियर है, हाइपर एक्टिव बिहेवियर है, इसको ट्रिगर करता है सबसे पहले हमारा स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन इसको ट्रिगर करता है, ठीक है, वीडियो गेम्स ट्रिगर करते हैं, मोबाइल ट्रिगर करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसको ट्रिगर करती हैं, ठीक है, बढ़ा देती हैं,
ठीक है। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चे की बात मान रही हैं, मतलब थोड़ा सा आप लोगों को, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर बच्चे ने आपको फर्स्ट टाइम मारा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा उसको वहीं पर रोकना है, उसको हैंड में कस के प्रेशर डालना है, मतलब उसको ये बताना है कि तुम्हारे मारने से हमें दिक्कत हुई है, हमें चोट पहुंची है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको हार्म करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, उसके हैंड में थोड़ा सा प्रेशर डाला, ठीक है, या फिर उसके जैसे उसने मारना शुरू किया तो आप सुबह दोपहर शाम उसको उसके दोनों हाथ पे हाफ हाफ केजी के वेट्स बांध दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी करेंगे, इससे क्या होगा कि एक रिइंफोर्समेंट मिलेगी, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, कि अगर मैं ये करूँगा, नहीं तो उसको जैसे वो कुछ गलत काम करे आपको मारे आप दूसरे कमरे में चले जाओ, ठीक है। कई बार बच्चा नहीं रुकता है, आपको मारता ही रहता है जब तक उसकी इंटेंशन पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि उसको मज़ा आता है ये करके, ठीक है, उसको मज़ा मिलता है, उसको रिलैक्स मिलता है, उसका एंगर निकलता है। जैसे हम ज़्यादा बोलते हैं अपना एंगर सारा निकाल देते हैं अंदर रखने के बजाय, तो हमें एक स्ट्रेस रिलीफ रिलैक्सेशन मिलता है। तो कोशिश करिए जो पॉप अप टॉयज़ होते हैं उनको परमानेंट उनके हाथ में रखिए, है ना, पॉप अप अपना करते रहें, कुछ क्रेजी बॉल्स, अब हमारी जो स्माइली बॉल्स होती है वो परमानेंट ट्विस्ट करते हैं कुछ ना कुछ, मतलब जब उनको परेशान करने का मन करे उस टाइम पे आप कुछ ऐसी चीज़ों से उनको रिप्लेस करिए। एक बड़ा सा कार्टून का बॉक्स बनाइए, उसमें खूब सारी ऐसे ऐसे टॉयज़ आप, मतलब कि 8-10 बॉक्सेस बनाइए, ठीक है। जैसे दो दिन में वो एक बॉक्स से बोर हो गया, 4 डेज में बोर हो गया, तो नेक्स्ट बॉक्स दीजिए, ऐसे उसको रीशफल करते करते नई नई चीज़ें देते रहिए, ठीक है। अब मैं आपको बहुत ही इजी से दो चीज़ें बता रही हूँ जिससे आप अपने हाइपर एक्टिव बच्चे के बिहेवियर को ठीक कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है और उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, बहुत ही आसान से एक्यूप्रेशर के दो पॉइंट्स हैं जिसके बहुत ही वंडरिंग रिजल्ट्स हैं, ठीक है। GV20 और GV24, इन दो पॉइंट्स में हमें क्या काम करना है, ठीक है, बहुत ही आसान है, सिंपल, आप अपने बच्चे पे करिए, लगातार करते रहिए, 7-15 डेज में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और जब तक आपके बच्चे की ADHD की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक आप इस पॉइंट को करते रहिए। करना क्या है आपको, देखिए जो हमारा एपेक्स ऑफ द ईयर है, ठीक है, यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट ये लाइन मिल रही है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है GV20, ठीक है। अब इसको ऐसे करके आप प्रेशर, दोनों फिंगर से ऐसे करके अपने बच्चे के प्रेशर डालिए, ठीक है, 20 सेकेंड्स दिन में 2 बार, ठीक है। प्रेशर डालने के बाद आपको क्या करना है, मॉर्निंग और इवनिंग में यही जो पॉइंट है, ठीक है, इसमें एलमंड ऑयल 100 ml में 3 ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल की लगा के अपनी फिंगर्स में इसको 50 टाइम्स टैप करना है, ठीक है। एग्जैक्ट फ्रंटल पार्ट हमारा, ये वही वाला पार्ट है ADHD का जो हमारा स्टिमुलेटेड नहीं है, इनहिबिटेड है, ठीक है। अब इसको स्टिमुलेट करना है 30-50 टाइम्स आप फिंगर्स पे 100 ml एलमंड ऑयल में लेवेंडर ऑयल लेके इसको मॉर्निंग में टैप करेंगे, फिर बच्चे के स्कूल से आने के बाद टैप करेंगे, फिर नाइट में टैप करेंगे, ठीक है। टैप करने के बाद आप इसी लेवेंडर ऑयल और एलमंड ऑयल को बच्चों पूरे हेड की एक मसाज दे सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सूदिंग रहेगी, बहुत ही वंडरस रिजल्ट्स मिलेंगे। धीरे धीरे जो भी इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है, जो पार्ट हमारा काम नहीं कर रहा वो काम करना शुरू हो जाएगा, बच्चे में डोपामीन का जो लेवल है वो कम है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, नॉरएड्रेनालिन की जो मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला हमें क्या काम करना है, GV24 में काम करना है, ये देखिए, ये जहाँ से हमारी हेयर्स शुरू हैं, ठीक है, हेयर लाइन जहाँ से शुरू है ये GV24 पॉइंट है, ठीक है। सेम वही करना है, एलमंड ऑयल लेवेंडर ऑयल लेके यहाँ पे 50 टाइम्स तो टैप करना है, 30-50 टाइम्स, ठीक है, और 20 सेकेंड्स के लिए डीप प्रेशर देना है दिन में 3 बार, ठीक है। और फिर पूरे हेड की आपने जो नॉर्मल मसाज करें वो आपने कर लेनी है, बहुत ही सिंपल से दो पॉइंट्स हैं, वंडरिंग रिजल्ट्स है, गवर्निंग वेसल के पॉइंट्स हैं, स्पेशली कंसंट्रेशन अटेंशन को लेकर आते हैं, और स्पीच जिनकी डिले है, ठीक है, कंसंट्रेशन अटेंशन लैक होने की वजह से जिनकी स्पीच डिले हो रही है उन बच्चों में भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो ये सिंपल सी वीडियो मैं उन लोगों के लाई हूँ जो परेशान है कि ADHD की प्रॉब्लम से हमारे बच्चे क्लास में नहीं बैठ पा रहे और एंगर फ्रस्ट्रेशन उन लोगों का बढ़ता जा रहा है। होप यू लाइक माई वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।